आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ खबरें। इस राज्य में सरकार ने दिया है बड़ा तोहफा, 11% बढ़ाया है महंगाई भत्ता। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में भी लगेगी कोरोना की फ्री वैक्सीन। इस राज्य की सरकार ने क्या ऐलान, आखिर कौन से राज्य की सरकार ने ऐलान किया है बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आई सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसानों के लिए खुशखबरी, इस राज्य में सरकार किसानों को बांटेगी 16,000 करोड़ का लोन। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूर महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही बात करेंगे आज के ताजा मौसम समाचारों के लिए, इसके किन किन राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट हुआ जारी, इसके किन किन राज्यों में वज्रपात की संभावना, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ऑक्सीमीटर समेत ये 5 मेडिकल उपकरण हुए हैं सस्ते। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीमीटर समेत कई मेडिकल उपकरणों की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला था। अब सरकार की ओर से इस मामले में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने शनिवार को पल्स ऑक्सीमीटर और ब्लड प्रेशर मापने की मशीन समेत 5 मेडिकल डिवाइस पर ट्रेड मार्जिन सीमित करने का फैसला किया है। वही चिकित्सा उपकरणों पर व्यापार लाभ और मार्जिन को 70% तक यहाँ पर सीमित करने के साथ साथ अब तक करीब 720 ब्रांडों की कीमतों में कमी आई है। वही रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने जनहित में एक असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5 चिकित्सा उपकरणों के व्यापार मार्जिन को सीमित कर दिया। बात करते हैं अगली खबर की, तो आर्थिक तंगी के बावजूद राजस्थान में किसानों को गहलोत सरकार बांटेगी 16,000 करोड़ का लोन। राजस्थान में सरकार की ऋण माफी योजना किसानों के लिए जीवनदायिनी यहाँ पर साबित हो रही है। आर्थिक तंगी के बावजूद गहलोत सरकार किसानों को ब्याज मुक्त लोन देकर उनके संकट को कम करने की कोशिश कर रही है। वहीं कोरोना ने सभी लोगों की कमर तोड़ दी, ऐसे में किसान भी यहाँ पर परेशान थे, लेकिन अब उनकी परेशानियों को गहलोत सरकार ने अपने कंधों पर ले लिया है। वहीं कोरोना में सबसे विकट परिस्थितियों के बाद भी राजस्थान सरकार लाखों किसानों का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ब्याज मुक्त फसली ऋण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, इस योजना के यहाँ पर इस योजना को आर्थिक तंगी के कारण भी सरकार पूरी तरह से चलाने में सफल रही है। वही सरकार की इस योजना से लाखों किसानों को ऋण मिल रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को इस योजना से बड़ी राहत मिली है। एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ लॉकडाउन के बाद किसानों की कमर टूट गई थी, लेकिन सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना से किसानों को बड़ा यहां पर फायदा हो रहा है, बड़ी राहत मिल रही है। वही लाखों किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। वही राजस्थान में साल 16,000 करोड़ फसली ऋण बटना है, जिसमें 10,000 करोड़ की फसली ऋण यहाँ पर खरीफ का और यहाँ पर 6,000 करोड़ रबी में बांटना है। ऐसे में राजस्थान सरकार आर्थिक संकट के बीच भी किसानों को इस योजना का लाभ दे रही है। राजस्थान में पिछले साल भी गहलोत सरकार ने लॉकडाउन लगा था, तब भी किसानों को घर बैठे फसल ऋण उपलब्ध करवाया था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु के प्राइवेट अस्पतालों में भी लगेगी फ्री कोरोना वैक्सीन, सरकार ने किया है ऐलान। देश में कोरोना के केस अब बहुत हद तक यहाँ पर कम हो गए, किंतु खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। यही कारण है कि सरकार टीकाकरण पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार भी टीकाकरण को लेकर अहम कदम यहाँ पर उठाने जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि निजी अस्पतालों में जल्द मुफ्त यहाँ पर टीकाकरण आरंभ यहाँ पर होगा। इसके लिए राज्य की कई कंपनियां के यहाँ पर CSR का फंड का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। वही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने टीकाकरण के समन्वय में बैठक का नेतृत्व करने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि तमिलनाडु को जुलाई माह के यहाँ पर लिए 72 लाख वैक्सीन की डोज यहाँ पर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त टीकाकरण की योजना बना रही है। इसके लिए यहाँ पर CSR फंडिंग का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। वही मंत्री ने कहा है कि प्राइवेट अस्पतालों को आवंटन वैक्सीन लोगों को मुफ्त यहाँ पर दी जाएगी। वही CSR फंडिंग का इस्तेमाल टीकों के खर्च होने पर, मतलब CSR फंडिंग का इस्तेमाल टीकों के खर्च पर वहन करने के लिए किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान बोर्ड ने साइंस कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट raj.edu.board.rajasthan.gov.in या फिर rajresult.nsc.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। हालांकि रिजल्ट जारी होते ही बोर्ड की वेबसाइट क्रेश हो गई है और खुल नहीं रही है। इस साल राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा में साइंस स्ट्रीम में 99.48% स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं कॉमर्स स्ट्रीम में 99.73% और आर्ट्स स्ट्रीम में 99.19% स्टूडेंट ने सफलता हासिल की है। यह पहली बार होगा जब एक साथ साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों का रिजल्ट एक साथ घोषित किया हो। वहीं इस बार ना मेरिट की लिस्ट जारी की जाएगी, ना ही टॉपर यहाँ पर घोषित किया जाएगा। बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने के लिए तय किए गए असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक 12वीं के स्टूडेंट का मूल्यांकन 10वीं के जो अंक है उसका 45% और 11वीं के 50 यहाँ पर 11वीं का जो अंक है उसका 20% वेटेज के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा रिजल्ट के लिए
यहाँ पर इंटरनल मार्क्स का वेटेज और व्यवहारिक अंक भी यहाँ पर दिए जाएंगे भाई। असेसमेंट क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट से जो असंतुष्ट स्टूडेंट है वो बोर्ड के यहाँ पर वैकल्पिक परीक्षा में बैठने का विकल्प उनके पास होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पर असंतुष्ट कैंडिडेट बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली वैकल्पिक परीक्षा पर यहाँ पर बैठ सकेगा रिजल्ट से अगर असंतुष्ट हो तो। वही रिजल्ट देखने सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट rajajubord.rajasthan.edu.in पर जाना होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर इसे वेबसाइट के अलावा आप rajresult.nic.in पर जा सकते हैं। वही होम पेज पर संबंधित 12वीं के रिजल्ट पर आपको क्लिक करना होगा। 12वीं स्ट्रीम के बारे में आपको यहाँ पर संबंधित स्ट्रीम के 12वीं रिजल्ट पर लिंक पर क्लिक करना होगा। आप रोल नंबर दर्ज करें और सबमिट कर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी आपका जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। उसे भविष्य के लिए यहाँ पर सुरक्षित रख लें। वही वेबसाइट के अलावा स्टूडेंट SMS के जरिए भी 12वीं बोर्ड रिजल्ट देख सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को अपने मोबाइल नंबर से RJ12A रोल नंबर टाइप करके 5676750 पर आपको SMS भेजना होगा। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान बोर्ड ने इस साल कोरोना महामारी के मद्देनजर अन्य बोर्डों की तरह राजस्थान के अंदर भी 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया था। इस बार राजस्थान बोर्ड 10वीं के लिए भी करीब 12 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 12वीं के लिए करीब 9 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन राजस्थान के अंदर कराया था परीक्षा के लिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP की है जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूलों की 11वीं और 12वीं कक्षा को 50% उपस्थिति के साथ फिर से खोलने के लिए SOP जारी कर दी है। प्रदेश सरकार के अधिकारी ने बताया है कि इस संबंध में SOP यहां पर जारी की गई है। इसके साथ ही कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को यहां पर जो कक्षाएं हैं वो 5 अगस्त से शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह में 2 बार स्कूल यहां पर 11वीं और 12वीं के लिए यहां पर सप्ताह में 2 बार स्कूलों में कक्षाएं होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि 11वीं के विद्यार्थी मंगलवार और शुक्रवार स्कूल आएंगे, वही 12वीं कक्षा के विद्यार्थी सोमवार और बृहस्पतिवार को बुलाए जाएंगे। वही अधिकारी ने बताया कि 9वीं कक्षा के विद्यार्थी शनिवार को तथा 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुधवार को स्कूल में यहाँ पर बुलाया जाएगा। वही दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात तौर पर सुबह की सभा और तैरकी आदि की अनुमति यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने स्कूल प्रबंधन से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की COVID-19 जांच जैसे उपाय करने के लिए भी कहा है। वही महामारी के चलते मध्य प्रदेश में लंबे समय के बाद स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण के मामले यहाँ पर कम हो रहे हैं, यानी इसमें गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को प्रदेश में संक्रमण के मात्र 11 मामले सामने आए हैं। वहीं इस बीच प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस ने यहां पर जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को स्कूल कॉलेज के शिक्षकों और गैर शिक्षकों कर्मचारियों को टीका लगाने की बात यहां पर कही है, उनको निर्देश दिए हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार का नया फरमान, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें सरकारी कर्मचारी। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने कर्मचारियों को नया फरमान यहाँ पर कर्मचारियों के लिए जारी किया है। इसके तहत कर्मचारियों को बहुत जरूरत होने पर ही कार्यालय में फोन इस्तेमाल करने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी हुए आदेश के मुताबिक कार्यालय में काम करने के दौरान मोबाइल फोन का कम से कम इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कार्यालय में मोबाइल फोन की जगह लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल को ज्यादा यहाँ पर बेहतर बताया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक सरकारी अब कार्यालयों में जरूरत हो तो लैंडलाइन फोन ही इस्तेमाल करने की तरजीह यहाँ पर दी जाए। वही इसमें अपने फोन को कम से कम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर सरकार को से कहा गया। वही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने मोबाइल फोन की जगह बातचीत के लिए लैंडलाइन फोन के इस्तेमाल के साथ साथ SMS भेजने को तरजीह यहाँ पर देने के लिए कहा है। इसके अलावा कार्यालय में कामकाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और यहाँ पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी यहाँ पर कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके साथ ही निजी फोन पर बातचीत कार्यालय से बाहर जाकर करने के आदेश यहाँ पर दिए हैं। आपको बता दें कि मोबाइल फोन की जासूसी के मामले को लेकर उपजे विवाद के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्मचारियों को हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, 11% बढ़ाया है महंगाई भत्ता। हरियाणा में मुन्ना लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने शनिवार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते यानी DA के दर की बढ़ोतरी की यहाँ पर घोषणा की है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों को DA 17% से उनका जो फीसदी पहले 17% था उससे बढ़ाकर अब 28% कर दिया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2021 से लागू होगी। वही सरकार की इस घोषणा से प्रदेश के लगभग 2,25,000 से अधिक कर्मचारी और 2,62,000 से अधिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इससे पहले केंद्र सरकार यहाँ पर कर्मचारियों के लिए DA बढ़ाने की घोषणा कर चुकी है। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगे भत्ते और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले महंगाई राहत को इस साल 1 जुलाई से बढ़ाकर 28% करने की मंजूरी यहाँ पर दी है। वही यह मूल वेतन पेंशन के 17% के मौजूदा दर से 11% यहाँ पर इसमें वृद्धि को दर्शाता है। वही COVID-19 से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित
इस सत्य को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों को दिए जाने वाले DR यानी महंगाई राहत की तीन किस्तें जो 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को देती थी पर रोक यानी फ्रीज इसको यहाँ पर लगा दी गई थी। जुलाई 2021 में हरियाणा सरकार ने भी अगले आदेश तक इसी तरह की घोषणा की है जिसे अब बहाल कर दिया गया है। इसी तरह अब केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनों को दी जाने वाले महंगाई राहत को 1 जुलाई 2021 से बढ़ाकर 28% करने का निर्णय लिया है। अब बात करते हैं अगली खबर की। देश में फिर बढ़े हैं कोरोना केस। 24 घंटों में आए हैं 39,799 केस। 546 लोगों की हुई है मौत। देश में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। किस दिन नए केस कम होते दिखाई दे रहे हैं तो किसी दिन कोरोना के मामले फिर यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 39,799 केस सामने आए। इस दौरान 546 लोगों की मौत हुई है। वही कोरोना के नए मामले सामने के बाद आने के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,13,32,000 पार पहुंच चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से 4,08,000 से यहाँ पर जो मतलब कोरोना जो टोटल एक्टिव केस है वो 4,08,000 से अधिक है। वही 3,05,03,167 लोग ठीक हो चुके हैं। वही अब तक कोरोना से 4,20,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 42,67,799 लोगों को कोरोना वैक्सीन भारत में लगाई गई। इसके साथ देश में अब तक 42,78,82,000 के आसपास लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के मामलों की जो संख्या है वो 6,000 से ज्यादा रही है। वही 167 लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र में हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना से अब तक यहां पर टोटल मामलों की संख्या 62,51,000 के पार पहुंच चुकी है। वही अभी तक यहां पर 1,31,000 से अधिक लोगों की मौत केवल महाराष्ट्र में हो चुकी है। वही स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 5,900 से अधिक लोग ठीक हुए हैं। वही केरल में पिछले 24 घंटों में 17,518 नए मामले सामने आए हैं। केरल में भी कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 132 लोगों की मौत हुई है। वही 17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में कोरोना के पिछले 24 घंटों में 1,833 यहाँ पर केस सामने आए हैं। वही 24 घंटों में 24 लोगों की यहाँ पर भी मौत हुई है। अब बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचारों की। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने की है जारी। देश के विभिन्न इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा रखा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से यहां पर पूर्वी और उत्तरी पूर्वी भारत में अगले 2 दिन अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि आज से उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में वे पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी बारिश की यहाँ पर संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों में पश्चिमी तट पर बारिश की तीव्रता कम रहने के आसार है। वहीं से जलभराव की मार झेल रही महाराष्ट्र और गोवा को राहत मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के हवाले से यहां पर बताया गया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण गोवा और यहां पर पास महाराष्ट्र के भीतरी इलाकों में सहित पश्चिमी तटों पर बारिश में कमी आने की संभावना। इससे महाराष्ट्र और गोवा में लोगों को यहाँ पर राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में अत्यधिक भारी बारिश होने की वजह से कई लोगों की जान भी गई है। इसमें कई यहां पर इलाके जलमग्न हो गए हैं। इससे कई लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। वहीं मौसम विभाग की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक झारखंड और इससे चटे उत्तरी छत्तीसगढ़ पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसे धीरे धीरे पश्चिम उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। ये नहीं, यहाँ पर 28 जुलाई से उत्तर बंगाल की खाड़ी के आसपास आसपास के इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बनने की संभावना है। इसे पूर्वी और उत्तरी भारत में अगले दिनों में यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आज गुजरात में तेज बारिश होने की संभावना है। यही नहीं, राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। हालांकि बाद में थोड़ी कमी आएगी इसमें। वहीं पूर्वी राजस्थान में 26 जुलाई तक तेज बारिश के आसार है, जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बाद में वर्षा कम होगी। यही नहीं, आज से 28 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। वहीं सूबे में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 26 से 28 के बीच और पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 से 28 को यहां पर बारिश के आसार है। वहीं 27-28 को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार 25 जुलाई यानी आज उत्तरी पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार है। वहीं 25 से 28 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना यहां पर है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान जारी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तटीय कर्नाटक और केरल, विदर्भ,
झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं स्काईमेट वेदर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा और इसके आसपास के इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि धीरे धीरे इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। यही नहीं, झारखंड और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और गंगी पश्चिम बंगाल उड़ीसा के कुछ हिस्सों में और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्थान पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।